आगे बढ़ें और आपको बताएं, सुहावो मौसम बहार को खुश आमदीद कहने और सियाहत के फ़रोग के लिए ज़िला जेहलम और चकवाल के संगम आरा बिशारत के खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों पर दो रोज़ा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क भर से 100 से ज़ायद पायलट्स ने हिस्सा लिया है। इस खूबसूरत एडवेंचर के बारे में देखते हैं मोहम्मद नबील हसन की यह खसूसी रिपोर्ट। एडवेंचर के शौकीन और ख़तरों के खिलाड़ियों के लिए हवा में उड़ने का मुनफरद एहसास लिए जेलम और चकवाल के संगम पर तारीखी इलाका आड़ा के ऊंचे और सरसब्ज पहाड़ों पर पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दो रोज़ा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 100 से ज़ायद पैराग्लाइडिंग पायलट ने शिरकत की और हवा की बुलंदियों को छूने का मुजाहरा किया। मैं बहुत ज़्यादा शौक है पैराग्लाइडिंग का, मैंने खुद भी बीटी स्कूल से इसका कोर्स किया हुआ है और दो तीन दफ़ा मतलब एक्सपीरियंस इसका लिया हुआ है वहाँ से और फ्लाइट वगैरह को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं पैराग्लाइडिंग, इसको प्रमोट करना है और इससे रिलेटेड जो लोग हैं उस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह का इवेंट पहले ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। इतना बड़ा जो है, छोटे इवेंट हुए हैं ज़रूर लेकिन इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ, तो इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया कि कराची से लेके तो जीबी तक जो इस कम्युनिटी के पैराग्लाइडिंग के पायलट हैं वो सारी एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने फ्लाइट्स की हैं, उनके लिए अरेंजमेंट किए। मैं नेशनल चैंपियनशिप हुई थी 2021 में, उसमें पहली पोजीशन ली थी एक्यूरेसी लैंडिंग के अंदर ना, तो उसके बाद बाकी कश्मीर में भी फ्लाई करते हैं और तुर्की से हम लोग एडवांस कोर्स करके आए, तो पाकिस्तान तो इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पैराग्लाइडिंग। देखने आई हुई हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती, है बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं डील कर रहा हूँ। मैं अपने मामा पापा से, मेरे मामा पापा पायलट हैं, तो मैं डील कर रहा लेकिन नहीं कर सकती। इस पैराग्लाइडिंग में ख्वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मौके पर शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पैराग्लाइडिंग करने वाले ये लोगों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मिलसन, वॉइस न्यूज़ सुहावा।